हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया। वेलकम टू माय देशी कुकिंग, ईट देशी इट हेल्दी में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा इडली चावल के साथ खाने के लिए मिंट और टमाटर की बहुत ही तड़के वाली चटनी। तो आप इसे खाइए। चलिए मैं बताती हूँ आप इसे कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है तेल डाला है, तो तेल को जो है गर्म होने पर हरी मिर्च डाल दी है यहाँ पे, और हरी मिर्च को जो है होने देते हैं। और इसी में डाल दिया मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच हींग, हींग से टेस्ट अच्छा लगेगा। यहाँ पे हरी धनिया है डाला है मैंने, 2 कट्टे टमाटर डाल दिए मैंने यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ मूंगफली है 2 से 3 चम्मच, वो डाल देंगे। और ये पुदीना की पत्ती है, इसे डाल देंगे। धो के काट लिया मैंने। और नमक जो है टेस्ट अनुसार आप डाल लें। और इसे जो है अब इसमें जो है थोड़ा सा इमली जो है बीज को निकाल के आप इमली का पल्प थोड़ा सा डाल लें यहाँ पे, और इसे जो मिक्स कर लें और इसे ढक दें। यहाँ पे मैंने छोटा वाला जार लिया है, इसमें मैं जीरा डालूँगी 1 चम्मच, और ये 3 जो है लहसुन मैंने छीला हुआ डाला है। इसको जो है हम लोग अलग से पीस लेंगे दरदरा। ढक्कन को हटा के हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए बहुत गल गया है। थोड़ी सी जो है टमाटर है तो उसको हम लोग थोड़ा सा और गला देंगे, सॉफ्ट कर देंगे ऐसे दबा के, थोड़ा सा और पका लेते हैं इसको। अब हम लोग ढक्कन को हटा के देखेंगे, तो देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए मैंने एकदम ठंडा कर लिया। अब इसको मिक्सर में डाल देंगे। पीसने से पहले इसमें जो है हम लोग ये लहसुन और जीरा को मैंने अलग से पीस लिया था, इसको भी डाल देंगे इसमें। और इस सबको डालने के बाद अच्छे से जो है हम लोग पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। लेकिन अभी इसको तड़का देंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे तड़का कैसे देते हैं। यहाँ पर मैंने जो है तेल डाला है पैन में, और ये जो है राई डाल दूँगी। राई को थोड़ा सा जो है चटकने देंगे हम लोग अच्छे से। आधा चम्मच जो है इसमें मैं उड़द की दाल डाल दूंगी छीली हुई, और इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। एक तरफ हम लोग जो है थोड़ा सा ये लाल मिर्ची है खड़ा हुआ डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम लोग पका लेंगे थोड़ा सा। और इसी में हम लोग ये डाल देंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता, इसको थोड़ा सा ढक देंगे। थोड़ा सा जो है ये लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और इसको थोड़ा सा अच्छे से हल्का सा भूनेंगे। ये तड़का रेडी हो गया है। अब बस ये चटनी के ऊपर जो है, चटनी के ऊपर हम लोग ये तड़का दे देंगे। तो तड़का मैंने डाल दिया है, आप ये खाइए। टमाटर और हरे पत्ते की मिंट की जो चटनी है, आप एक बार बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया रेसिपी डालूँ आपको।